बाबा चल दिए। अब महादेव जी के अंदर एक भाव उमड़ पड़े, क्या कि जिस प्रभु की कथा हम सुन रहे हैं, अगर इनका दर्शन मिल जाए तो नेत्र भी दीर्घ हो जाए, है ना। पहले लोग कहते हैं थोड़ा सा भोजन, देखो कहीं जाओ होटल में या फिर किसी के घर जाओ तो पहले कहते हैं थोड़ा सा भोजन देना, थोड़ा सा देना, और जब थोड़ा खाएंगे अच्छा लग जाएगा ना तो और मांगते हैं। आज बाबा ने कथा सुनी, कथा के बाद पता है ऐसा भी होता है महाराज कई कई गांव में। ओ मैया, ओ माता जी, आप तो डिस्टर्ब हो ही रहे हो, दुख कर रहे हो डिस्टर्ब, मात्र डिस्टर्ब मत करो नहीं तो आनंद नहीं आएगा भैया, है ना। और आप तो बड़ी प्यारी भैया हो, सबसे पहले आई। देखो कई कई जगहों पे होता है, पता है एक व्यक्ति के घर में रिश्तेदार आ गए, एक रिश्तेदार आ गया, अब पत्नी रोटी बनाती और पति उसे खिलाता बैठा करके, अरे जी थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, और वो चूल्हे में बनाती, वो कहती वो लेता नहीं, जबरदस्ती थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और ले लो, जबरदस्ती खिला रहा। एक दिन पत्नी खूब गुस्सा हो गई कि तुम रोज कहते हो और ले लो और ले लो, मुझसे ये नहीं होने वाला, मैं नहीं बना के खिलाने वाली, खुद बनाओ और खिलाओ, अपनी रिश्तेदारी निभाओ। पति बेचारा सीधा साधा, पति बोला देवी जी अब का करें, जा ही नहीं रहे हैं, आए हैं टिक गए तो जा ही नहीं रहे हैं।